Good morning, students. I am Himanshu Soni, your math teacher. Today we will discuss the introduction of fraction. So what is the fraction? The fraction is the part of whole. If पूरा complete कोई object है उसका किसी part को हम call करें तो this is known as the fraction. For example, हमारे पास एक cake है. आप लोगों ने birthday पे cake खाया होगा ना. हमारे पास एक cake है और हम कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो बस हाफ केक चाहिए. सो हाफ इज व्हाट? हाफ इज आल्सो द फ्रैक्शन. अब हमने इस केक के दो पार्ट किए. सो वन इज द हाफ एंड अनदर वन इज आल्सो हाफ. तो हाफ हाफ दो पोर्शन हुए. हम कहते हैं नहीं हमें तो वन फोर्थ चाहिए. सो वन फोर्थ इज व्हाट? इट इज आल्सो द फ्रैक्शन. किसी भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट का कोई पोर्शन वन फोर्थ टू फोर्थ वन फिफ्थ हाफ दिस आर ऑल आर fractions. Suppose this is the square and we have partitioned it in the four parts. हमने इसके four parts किए हैं. तो each and every part हमारे पास क्या हो गया? अगर हम इसको shaded करते हैं तो ये portion कितना हुआ? one out of four यानी one by four. clear? अगर हम इसे fraction में लिखेंगे तो जितना portion shaded है जो portion हमें choose करना है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन. शेडेड का मतलब कि हमने भी इस पोर्शन को चूज कर लिया है, इसको सेलेक्ट किया है. तो एक पोर्शन को जिसको हमने सेलेक्ट किया है जिसके हमें रिक्वायरमेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स. क्लियर? इज नॉन एज द फ्रैक्शन. अगर हम इसको डायग्राम से देखें सो अगर हमें शेड्यूल कहा जाए, हमें बोला जाए कि सपोज यू हैव ए पेंटागन, ऐसी कोई शेप है Now we have to अब इसके अंदर कितने पार्ट्स बने हुए हैं? इसके अंदर पार्ट हो गए 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हैं. और हमसे कहा जाए प्लीज शेड 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5, यानी कि आपको कहा जाए ओनली 3 पार्ट्स को शेड्यूल करना है. तो हम कैसे शेड्यूल करेंगे? हम कोई भी 3 पार्ट्स लेंगे 1, 2, 3, यू कैन टेक एनी 3 पार्ट्स. तो अब हमारे पास कितने पार्ट्स शेड्यूल हो गए? 3 पार्ट्स. तो इसकी फ्रैक्शन भी कैसे होती है? 3/5. हमको फ्रैक्शन दिया जा सकता है, हमें शेडेड बोल शेडेड करने के लिए भी कहा जा सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है, इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए. नाउ रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ये वो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम आगे फर्दर एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, उनके सम के एक एग्जांपल हम यहां डिस्कस करेंगे. जब हमें किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. इस जीरो के लेफ्ट साइड वाले सारे नेगेटिव, जीरो के राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव. क्लियर? नाउ जब हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो नंबर हमने फ्रैक्शंस हमने चूज किए हैं वो लाई कहां करते हैं. कभी भी अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा. या हमेशा देखना नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा. इट मींस अगर फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो नंबर इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 1. न्यूमरेटर ऊपर वाला इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर एंड इट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 1. क्लियर? तो अब ये नंबर जितने भी हैं सब प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास 0 और 1 के बीच में है. तो हमें इस 0 और 1 के कितने पार्ट्स करने होंगे? 8 पार्ट्स. इसके 8 इक्वल पार्ट्स कीजिए. इसको थोड़ा जूम करते हैं, बड़ा बनाते हैं. सो यहां मान लेते हैं 0 है, इधर मान लेते हैं 1. क्लियर? भाई ये 0 और 1 वाला जो पोर्शन है हमने थोड़ा बड़ा कर दिया. क्लियर? चलिए देखते हैं इसके 8 पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 ईच एंड एवरी पार्ट. अब ये पहला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा इसका? इस फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट 1/8.
सेकेंड पार्ट 2/8, थर्ड पार्ट 3/8, फोर्थ पार्ट 4/8, फिफ्थ पार्ट 5/8, सिक्स्थ पार्ट 6/8, 7/8, देन 8/8. 8/8 क्या है? 1. क्लियर? तो अब हमें चूज कौन कौन से करने थे, सेलेक्ट क्या करना है, 1/8 को, देन 2/8 को, 3/8 को, 5/8 को और 7/8 को. क्लियर? तो फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इजीली. क्लियर? नाउ टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, हम थोड़ा टाइप देखते हैं कितने टाइप के होते हैं फ्रैक्शंस. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस अब हमारे पास होगी. सबसे पहले अभी भी हमने डिस्कस किया प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन ये रहेगी कि न्यूमेरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. इजी एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे 1/8, 3/5, 6/7, ईच एंड एवरी नंबर आर इन प्रॉपर पोर्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन में है सभी नंबर. नाउ नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब जो हमने यहां प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा है उससे उल्टा हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है. इनका उल्टा देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल देखें तो 7/6, 5/3, 8/5, यू कैन चूज एनी नंबर. ईच एंड एवरी नंबर आर नाउ इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन दोनों के अलावा एक और भी होता है हमारे पास, इज नॉन एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर? अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है उनसे अलग होगा, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिवाइजर कुछ इस तरह से नंबर मिलेंगे. जैसे सपोज करो हमारे पास ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी के इक्विवेलेंट हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं. तो 1:1/6, तो ये क्या है हमारे पास, मिक्स फ्रैक्शन. इस फॉर्म में होंगे, एक होल नंबर होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. तो इनका जो कंबिनेशन बना वो हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन. 7:1/8, 19:2/15 एंड सो ऑन, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स. इसमें इस फॉर्म में हमारे नंबर होंगे. क्लियर? Now, we will discuss some equivalent fractions. What is this equivalent fractions? Before equivalent fraction, let us understand the comparison, the conversion of the fraction. Now conversion of mixed fraction to improper fraction. अब हमारे पास कोई mixed fraction given है. For example, 2:3/5 कोई नंबर गिवन है. सो अब हम इसे कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. हम क्या करते हैं, 5 2 10, 10+2, 10+3, 13, 13/5. तो इसका मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनेगा, 13/5. इसको करने के लिए हम क्या किया, हमने 2 को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई किया. 5 × 2, 2 × 5 प्लस 3, जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में उसको हमने ऐड कर दिया एंड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर 5. तो आंसर इसका कितना बन गया हमारे पास, 5 × 10+3, 13/5. सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, 3/3:7/9. इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वही 9 × 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9. सो 9 3 27,
एंड 4 34 डिवाइडेड बाय 9, क्लियर। तो भाई ये तो हुआ हमारा कन्वर्जन फ्रॉम मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना इस तरह से मैं मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करें। नाउ इसका रिवर्स कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज कि हमने यही एग्जांपल ले लिया 13/5, इसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 13 को जस्ट 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 2 10, 5 2 10, रिमाइंडर कितना बचा 3। सो अब इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन कितने पे गया 2 पे, फिर रिमाइंडर 3, और जो डिवाइडेड जो पोर्शन डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रहेगा ही, यानी कि क्लियर 5 एज इट इज। दूसरा एग्जांपल हम फिर लेते हैं 34 डिवाइडेड बाय 9, सो इसको भी फिर डिवाइड करके देखेंगे। 34 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 3 27, 7 रिमाइंडर, तो 3 7/9, इसका आंसर क्या हो गया 3 7/9। हमें बस ये दो नंबर देखने होंगे, नीचे वाला नंबर तो एज इट इज आ जाएगा जो था हमारा एज इट इज, इसमें 5 था तो 5, 9 है तो 9, बस दो चेंज होंगे वो ये दो नंबर चेंज होंगे, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंस। नाउ कम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे दो फ्रैक्शन आप ले लीजिए, एक हमारे पास है 1/4, दूसरा है 2/8, क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम नहीं है, बिकॉज इसमें तो न्यूमरेटर 1 है, इसमें 2 है, इसमें डिनोमिनेटर 4 है, इसमें 8 है, तो इक्वल सेम तो नहीं है, बट दे आर इक्विवेलेंट, इक्वल जरूर है, इनकी वैल्यू इक्वल जरूर है। देखिए कैसे, हमने लिया 1/4, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट वी गेट 2 1 2, 2 4 8, अब ये इसके इक्वल आ गया, तो बोथ आर इक्विवेलेंट बट नॉट सेम, हम इसे इक्वल तो बोलेंगे, सो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्लियर। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/3, दूसरा इसके इक्विवेलेंट क्या होगा 6/9, क्यों, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें, व्हाट वी गेट 3/9, क्लियर। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, 3/7 इज इक्वल टू 6/14, ये ट्रू है या नहीं है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, यस, तो फाइंड करो कैसे है। 3/7 को हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, व्हाट वी गेट 3 2 6, 7 2 14, क्लियर। नाउ दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ सम सिंपल फ्रैक्शंस, अब हम सिंप्लीफाई कैसे करें, इसका रिवर्स क्या होता है हमारे पास, सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस। चलिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3/9, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, सो 3 और 6 इन दोनों में सेम मल्टी कॉमन मल्टीप्लीकेशन है,
क्या कुछ ऐसा कॉमन है? यस, थ्री से ये भी डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइडेड हो सकता है, थ्री से नाइन भी। तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं हम भाई, दोनों को थ्री थ्री से डिवाइड कर दीजिए। सो थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, वन अपॉन थ्री। क्लियर? नेक्स्ट फिर देखिए एक और एग्जाम्पल, एट अपॉन सिक्सटीन। इसको सिंपल करेंगे, सिंपल से सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इन दोनों में, ये दोनों किसके मल्टीप्लिकेशन है, इनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? टू, तो टू से सिंप्लीफाई किया इसको, टू फोर जा एट, टू एट जा सिक्सटीन। फिर से इनमें भी क्या है, टू कॉमन आ रहा है, फिर से टू, टू जा फोर, टू फोर जा एट, फिर से टू भी कैंसिल हो रहा है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है, ईच एंड एवरी टाइम जो सेम फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे इनके, उनसे इन्हें मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करते जाना है। क्लियर? ये होगा हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन ईच एंड एवरी टाइम। नेक्स्ट वन इज द लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? व्हाट इज दिस लाइक फ्रैक्शन? अगर दो फ्रैक्शन में उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शन कैसा है, लाइक फ्रैक्शन। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द टू फ्रैक्शन इज सेम देन दे आर सेड टू बी लाइक फ्रैक्शन, अदरवाइज अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 3/5, 4/5, ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, 5/5। क्लियर? इनके और लाइक में क्या हो सकता है, 2/5 भी इनके लाइक ही है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, इन विच ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, ये नहीं कि हमेशा 5 ही हो, कोई भी हो सकता है पर सेम होने चाहिए, तो क्या होगा वो, इट्स ऑलवेज नोन एज द लाइक फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज द अनलाइक फ्रैक्शन? और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा हमारे पास, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल इसमें 3/5 है तो उसमें होगा 4/7, हो सकता है 3/8 हो, यानी कि न्यूमरेटर सेम हो सकते हैं बट डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। ये तो कोई बाई चांस है कि सेम हो भी जाए, बट ये कभी सेम नहीं मिलेंगे, इज नोन एज द अनलाइक अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? अलाइक फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर सेम हो सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम, बट डिनोमिनेटर सेम होना कंपलसरी है। अब हम देखते हैं इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के अंदर मैं एडिशन करना हूं तो एडिशन कैसे करेंगे हम, जब हमारे पास दो तरह के फ्रैक्शन आ रहे हैं, एक लाइक है एक में अनलाइक है। लाइक है तो वो एडिंग करना बड़ा इजी है, 3/5 को 4/5 में ऐड करना है तो बड़ा इजी है भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 5 का 5 रहेगा और न्यूमिरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 3+4 7, तो आंसर आ गया 7/5। क्लियर? इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी इजी होगा फॉर द लाइक, सब्ट्रैक्शन भी क्या रहेगा, बड़ा इजी रहेगा फॉर द लाइक फ्रैक्शंस। जैसे 3/5 - 2/5, इनका डिनोमिनेटर सेम है, यस लाइक फ्रैक्शंस है तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3 - 2 - 1, ये बड़ा इजी हो जाएगा। बट अगर अनलाइक फ्रैक्शन आ जाते हैं तो उस केस में हमें क्या करना है, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए हैं अनदर एग्जांपल लेते हैं फॉर अनलाइक केस, 3/5 को हमें ऐड करना है 4/7 में। अब ये दोनों अनलाइक है तो अनलाइक को हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस, पहले इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन। अब हमें पता है एलसीएम क्या होगा 5 और 7 का, सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, एलसीएम फाइंड करना आता है, एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा इनका एलसीएम, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए,
35। अब एलसीएम कितना आया इनका 35, तो हमें इनका डिनोमिनेटर दोनों का क्या बनाना है 35। इसको 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, न्यूमेरेटर को भी 7 से, डिनोमिनेटर को भी 7 से, प्लस 4/7 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 5 35। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 35, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे होगा, ये स्टेप होगा। तो इसमें एक स्टेप और भी आ जाता है भाई, लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम लीजिए, फिर उससे पता लगेगा कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई और किस नंबर से डिवाइड करना है। क्लियर? अब हमें किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करना है, यहां पर 7 से, 7 3 21 डिवाइडेड बाय 35। इसमें कितना आएगा, सिमिलरली 7 5 35 नीचे और ऊपर हो गया 4 5 20। अब इनको ऐड करना है, सिंपल है। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे 41/35। क्लियर? सिंपली हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना होगा तो भी यही केस होगा भाई, इनका एलसीएम हम लेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम लेने के बाद हमें पता लगेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड करना है।